Assalamu alaikum, my dear viewers. Hope you all are doing well. In today's video, I'm going to highlight the importance of reading newspaper generally for all the people and especially for the aspirants of CSS, PCS and other comparative examinations. आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अखबार की अहमियत पर, अखबार क्यों पढ़ा जाए और इसके क्या फ़वाद हैं, स्पेशली वो लोग जो कंपेरेटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए ये अखबार जो है वो कैसे फ़ायदेमंद साबित होता है। तो आज की वीडियो जो है अखबार पढ़ने की अहमियत के मुतालिक है। तो इससे पहले कि हम आगे चलें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल सो फार, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू रिसीव द नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस ऑन योर सेल फोन। सो सबसे पहला सवाल जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा वो ये है, वाई टू रीड न्यूज़पेपर, आखिर अखबार क्यों पढ़ा जाए, इसकी क्या अहमियत है। हमारे माशरे में आहिस्ता आहिस्ता अखबार पढ़ने का कल्चर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, स्पेशली हमारी यूथ जो है वो अखबार नहीं पढ़ती। तो कॉन्सिक्वेंटली होता क्या है कि वो दुनिया से बेखबर होते हैं, हालात हाजरा के मुतालिक उनको कुछ पता ही नहीं होता। पुराने लोग अखबार बहुत पढ़ते थे और आज भी आप देखें जो पुराने लोग हैं वो अखबार जो है वो बहुत पढ़ते हैं, और जब वो यूथ से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, जब वो देखते हैं यूथ को कि वो उनको तो हालात हाजरा के मुतालिक कोई इल्म ही नहीं होता, तो वो कहते हैं फिर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा कि जब आपको पता ही ना हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अखबार ज़रूर पढ़ा करें। सबसे पहला बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ दिस कि इट कीप्स यू अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट हैपनिंग्स ऑफ ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहला फ़ायदा अखबार पढ़ने का ये है कि अखबार पढ़ने से आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग नेशनली, व्हाट इज़ हैपनिंग ग्लोबली, आपको सब कुछ पता लगता है अखबार से। इट मीन्स दैट इट कीप्स यू अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स नेशनली एंड ग्लोबली। जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको हालात हाजरा पर दस्तरस हासिल हो जाती है। और दूसरा फ़ायदा जो है अखबार पढ़ने का ये है कि इट डिवेलप्स रीडिंग हैबिट्स इन यू। बहुत से शागिर्द ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि सर जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमें नींद आने लगती है, या पढ़ने में हमें मज़ा नहीं आता, हम बोर हो जाते हैं पढ़ते वक्त। तो असल में क्या है, उनमें पढ़ने की आदत नहीं होती। तो अगर आप अपने आप में पढ़ने की आदत जो है वो डालना चाहते हैं तो अखबार पढ़ना शुरू कर दें। अखबार पढ़ने से व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली इट डेवलप रीडिंग हैबिट्स इन यू। जब आप रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं तो आप पढ़ने के आदी हो जाते हैं, फिर आप कोई भी किताब पढ़ेंगे वो आपके सिलेबस से मुतालिक हो या आप कोई कंपटीटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके मुतालिक कोई किताब हो या जनरल कोई बुक हो किसी भी इशू पर, तो आप वो आसानी से पढ़ लेंगे क्योंकि आप में पढ़ने की आदत जो है वो डेवलप हो जाएगी बाय रीडिंग न्यूज़पेपर। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि इट इम्प्रूव्स योर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कि अखबार पढ़ने से आपकी रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो बेहतर होती है। अखबार पढ़ के फिर उसको समझना, यही चीज़ है। देखिए, आप जब CSS के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं या दूसरे कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं तो एक सवाल वो देते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के मुतालिक, एक पैसेज दिया हुआ होता है एंड देन यू आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू दैट पैसेज एंड आफ्टर रीडिंग दैट पैसेज यू आर रिक्वायर्ड टू सप्लाई द आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। फिर वो आपको पैसेज देते हैं, आप पैसेज आपको पढ़ना होता है, फिर उसी पैसेज से मुतालिक आपसे सवालात किए जाते हैं, फिर वो सवालात के जवाब आपसे रिक्वायर किए जाते हैं। क्या
वो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का एक टेस्ट होता है। आप अगर अपनी रीडिंग कम्प्रीहेंशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर। ये एक बहुत ही आसान सा कन्वीनियंट मेथड है टू इम्प्रूव योर रीडिंग एंड कम्प्रीहेंशन। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज। आप अगर अंग्रेज़ी में कमांड हासिल करना चाहते हैं, देखिए कंपेरेटिव एग्ज़ाम्स में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं और आपकी इंग्लिश वीक है तो आपके चांसेस टू पास द कंपेरेटिव एग्ज़ामिनेशन वो तो बिल्कुल है ही नहीं, आप ऐसे समझें। तो आप अंग्रेज़ी बेहतर बनाने के लिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज यू मस्ट गो थ्रू द न्यूज़पेपर रेगुलरली। रोज़ाना की बुनियाद पर आप अखबार पढ़ें, इससे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड जो है वो बेहतर हो जाएगी। मोर ओवर आप व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर इट एनलार्जस योर वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी इम्प्रूव होती है, वो भी इनलार्ज होती है जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं। आप बहुत से नए वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं अखबार में, जो आप अपने जो है सेमेंटिक नेटवर्क जो है उसको डेवलप करने के लिए आप वो अखबार पढ़ते हैं, और जो न्यू वर्ड्स होते हैं वो आप अपनी जो वर्ड बुक है उसमें आप लिखते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी वोकैबुलरी जो है वो भी जो है वो बढ़ जाती है। ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा अब एक सवाल उठता है, वांट टू रीड ए न्यूज़पेपर, अखबार में क्या पढ़ा जाए, क्या सारी अखबार पढ़ी जाए? क्योंकि टाइम कंस्टेंट आपको पता है, जो कंपिटेटिव एग्जाम्स में जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके पास दे हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला होता है। तो उनके लिए क्या वो सारा अखबार पढ़ें? नहीं, उनको सिलेक्टिव रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। उनको सारा अखबार जो विच इज़ कंप्राइज ऑफ समटाइम्स 25 पेजेस, समटाइम्स 35 एंड 40, वो सारा अखबार तो नहीं पढ़ सकते। तो वो ज़ाहिर है वो सिलेक्टिव स्टडी करेंगे। तो देखिए अखबार के बास पार्ट्स जो हैं दे रिक्वायर स्किम रीडिंग, उनको सिर्फ स्किम रीड किया जाए। और बास जो पार्ट्स हैं अखबार के वो जो है वो इन दे रिक्वायर प्रोफाउंड रीडिंग, इन डेप्थ रीडिंग। अब आपने करना क्या है, ये मेरे पास डॉन न्यूज़पेपर है, इसमें देखिए अब ये सारा अखबार तो आप पढ़ नहीं सकते, तो आपने क्या करना है कि देखिए इसमें 38 पेजेस हैं आज के अखबार में जो मेरे हाथ में है। तो आप 38 पेजेस तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपको दूसरे सब्जेक्ट्स को भी यू आर सपोज टू अलॉट टाइम टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। तो आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। तो सारा अखबार क्योंकि आप पढ़ नहीं सकते, तो कुछ पार्ट्स को तो आप स्किम रीड करेंगे और कुछ पार्ट्स को आप इन डेप्थ रीड करेंगे। इससे इसमें देखिए एक ये मेट्रो का पेज होता है, ये मेट्रो का पेज मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा यू नीड नॉट टू स्टडी दिस पेज, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर यू। उसकी वजह क्या है कि इसमें शहर से मुतालिक जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनके मुतालिक बेशतर खबरें होती हैं, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको पढ़ना है ये सेंट्रल पेज जो है मेरे हाथ में है डॉन का, आपने हेडलाइंस जो हैं इनको स्किम रीड करना है। हेडलाइंस को आप स्किम रीड करते चले जाएं, क्योंकि स्किम रीडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा। अगर कोई ऐसी कोई ख़ास खबर है कि जिसके आप फिर इनडेप्थ जानना चाहें तो वो तो आप पढ़ सकते हैं, मगर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इससे आप जो हेडलाइंस हैं इनको आप स्किम रीड करते चले जाएं। जो आपने इन डेप्थ रीड करना है वो पेज है ये जो है इसमें आप प्रोफाउंड आपको रीडिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अखबार पढ़ने से
आपके एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि कंपिटेटिव एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स लाइक ऐसे राइटिंग होता है या करंट अफेयर्स होता है, उसमें आपके एनालिटिकल स्किल्स को जो है वो असेस किया जाता है कि आपके पास एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर एनालिटिकल स्किल्स यू मस्ट गो थ्रू दिस पेज, दिस पेज इज ऑफ ओपिनियन एंड एडिटोरियल्स। साइड में एडिटोरियल्स दिए गए होते हैं, आप एडिटोरियल्स, ये एनोनिमस होते हैं, ये मोस्टली जो है वो एडिटर ही इनको लिखता है। और ये क्या, आप इनको ज़रूर पढ़िए, ये कोई जो स्पेशल न्यूज़ होती है, कोई एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती है, उनसे मुतालिक ये एडिटोरियल्स होते हैं, इनको पढ़ना, इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ कंपिटेटिव एग्जामिनेशन। आप ये ज़रूर पढ़ लिया करें। इंटर एलिया आप ओपिनियंस, ये पेज जो है आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है। ओपिनियन के पेज आपने ज़रूर पढ़ना है। इसमें क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं बाय डिफरेंट ऑथर्स, और ये आप पढ़ेंगे तो आपसे आपका क्या एक ओपिनियन शेप होगा और आप में एनालिटिकल स्किल्स पैदा होंगे। और आपको असल में ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे हाउ टू राइट, आपके राइटिंग स्किल्स को जो है ये पोर्शन जो है ये इम्प्रूव करेगा। तो ओपिनियन के पेज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है, आप ओपिनियन का पेज आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो एडिटोरियल्स और उसके अलावा ये जो ओपिनियन जो आर्टिकल्स होते हैं ये ज़रूर पढ़ें। और आर्टिकल्स पढ़ते वक्त आप राइटर्स जो हैं उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यूज़ इंटरव्यू में, कंपिटेटिव एग्जाम्स के इंटरव्यू में जब आप कहते हैं कि आप अखबार पढ़ते हैं, आपसे सवाल किया जाता है कि आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप जवाब देते हैं जी मैं पढ़ता हूँ, तो आपसे पूछा जाता है अच्छा बताएं फ़लाँ राइटर जो है वो किस मौजू पर लिखता है। अगर आपको राइटर का नाम पता नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि वो फ़लाँ राइटर जो है वो किस मौजू पर लिखता है। तो राइटर का नाम जो है वो भी ज़रूर याद कीजिए। तो इसके अलावा ये तो हुई बात कि क्या पढ़ना चाहिए अखबार में। अच्छा, अब जो है कि अखबार पढ़ा कब जाए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट जो है, आप चाय भी पी रहे हैं, आप सुबह सुबह फ्रेश जो है वो न्यूज़पेपर आ जाता है सुबह सुबह, तो आप उस वक्त फ्रेश भी होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस वक्त न्यूज़पेपर पढ़ें, आधा घंटा घंटा आप जितना दे सकते हैं, अगर आप एक घंटा देते हैं रोज़ाना अखबार को तो इट इज़ इनफ फॉर यू। आप आधा घंटा आप चाय पीते वक्त, सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त आप पढ़ लें, और अगर आपको टाइम मिलता है तो रात को सोने से पहले आधा घंटा फिर पढ़ लें अखबार को। इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपडेटेड रहेंगे विथ लेटेस्ट हैपनिंग्स नेशनली एंड इंटरनेशनली। अच्छा जी, और अब सवाल उठता है हाउ इट हेल्प्स द एस्पायरेंट्स ऑफ कंपेरेटिव एग्जामिनेशन। वो लोग जो कंपेरेटिव एग्जाम्स में अपियर होना चाहते हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है, उनके सब्जेक्ट्स में किस तरह हेल्प करता है। देखें, ऐसे राइटिंग एक सब्जेक्ट होता है कंपेरेटिव एग्जाम में, अगर आप अखबार के रेगुलर रीडर हैं तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम जो टॉपिक्स आते हैं फॉर ऐसे राइटिंग वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अगर आप रेगुलर अखबार पढ़ते हैं तो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द पेपर ऑफ ऐसे राइटिंग, यू विल फील नो डिफिकल्टी, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होती है, आप में एक लिखने का जो मेथडोलॉजी है वो डिवेलप हो चुकी होती है। तो क्या आप आराम से, आसानी से ऐसे राइटिंग का पेपर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर रीड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका एक पेपर होता है करंट अफेयर्स का, कंपलसरी करंट अफेयर्स का पेपर जो है आप वो भी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप न्यूज़पेपर रीडर हैं तो, क्योंकि न्यूज़पेपर
रीडिंग जो है वो आपको इट प्रोवाइड्स यू प्लेथोर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैपनिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो करंट अफेयर्स में भी यही पूछा जाता है कि क्या हो रहा है नेशनली और ग्लोबली, दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसके अलावा आपको मैंने पहले बताया कि इट डेवलप्स योर एनालिटिकल स्किल्स एज वेल। तो जब आप करंट अफेयर्स जो है वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड आपने अच्छा किया हुआ होता है तो आप आराम से करंट अफेयर्स का पेपर भी अटेम्प्ट कर जाएंगे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, वो एस्पायरेंट्स ऑफ कंपेरेटिव एग्जामिनेशन जिन्होंने ऑप्ट किया है इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके लिए ये अखबार पढ़ना तो मैंडेटरी है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर देयर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन। तो उनके लिए तो ये मैंडेटरी है, आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने से, अखबार पढ़ने से आपको इंटरनेशनल अफेयर्स के मुतालिक अच्छी दस्तरस हासिल हो जाती है। और क्योंकि देखें, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की जो बुक्स होती हैं उसमें मोस्टली थ्योरीज लिखी हुई होती हैं, और वो फिर थ्योरीज की एप्लीकेशन आपसे मांगते हैं, वो आपको कैसे पता लगेगी कि हाउ टू अप्लाई सच थ्योरीज, वो आप जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और कौन सी थ्योरी कहाँ अप्लाई करनी है। तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए भी रीडिंग न्यूज़पेपर जो है ये बड़ा ही बेनिफिशियल है। उसके अलावा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस के लिए भी ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप अखबार पढ़ें। अखबार पढ़ने से आपके देखिए कितने सब्जेक्ट्स जो है वो कवर हो रहे हैं, ऐसे राइटिंग का सब्जेक्ट जो है वो कवर हो रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स का सब्जेक्ट जो है वो कवर हो रहा है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट कवर हो रहा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन का जो पेपर है, इंग्लिश आपकी इम्प्रूव हो जाती है। और बाज़ जो एस्पायरेंट्स हैं CSS के और अदर PCS और अदर कंपेरेटिव एग्जामिनेशन के, वो कहते हैं हम प्रेस जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करें। उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी प्रेस जो हैं वो अखबार के पैसेजेस लें न्यूज़पेपर से, और वहाँ से प्रेस राइटिंग की प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए बड़ा ही बेहतर होगा, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। तो अखबार पढ़ने से आप देखिए आपके कितने जो कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और आखिरी में एक और चीज़ जो मुझे याद आई कि आप देखिए ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो इनमें थ्योरीज लिखी हुई होती हैं, और बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लेटेस्ट टच जो होता है वो इन बुक्स में नहीं होता। जो बुक्स रिकमेंडेड होती हैं लेटेस्ट टच, इंटरनेशनल अफेयर्स की बुक्स हैं, उनमें लेटेस्ट टच नहीं होता। तो लेटेस्ट टच देने के लिए आप वो क्या करते हैं, एक कंटेंट रजिस्टर बनाते हैं आउट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। अखबार पढ़ने से आप क्या फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, और फिर आप क्या करें, अपना एक फैक्ट बुक या कंटेंट रजिस्टर बनाएं। कंटेंट रजिस्टर में आप वो फैक्ट्स जो है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से मुतालिक, करंट अफेयर्स से मुतालिक, और इस्लामियात से मुतालिक, इस्लामियात के बारे में भी बहुत से जो है वो अखबारात में आपको मालूमात मिल जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान ऑब्जर्वर में, वीकली मेरा कॉलम छपता है इस्लाम के मुतालिक, इस्लामियात के मुतालिक। तो वो आप मेरे अखबार, मेरे जो कॉलम हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। तो क्या है कि आप फैक्ट बुक बनाएंगे वो अखबार में से वो फैक्ट्स कलेक्ट करके, तो आप वो लिखते चले जाएंगे, और इस तरीके से क्या जो सब्जेक्ट है उसके मुतालिक जो लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं वो अपने कंटेंट रजिस्टर में आप लिखते चले जाएं। इससे क्या आपकी जो नॉलेज है उसमें एक अपडेटेड टच आ जाएगा, और जब आप लिखेंगे कंपिटेटिव एग्जामिनेशन में तो जो आपका पेपर चेक करने वाला होगा वो भी बड़ा खुश होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा।
तो मैं बहुत अखबार पढ़ता हूँ और अखबार पढ़ने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और अखबार पढ़ते पढ़ते मैं ख़ुद एक राइटर बन गया। अभी देखिए तकरीबन कोई 550 कॉलम्स हैव बिन पब्लिश्ड, मेरे जो है 550 कॉलम जो है वो छप चुके हैं नेशनली और इंटरनेशनली, बहुत सी अखबारों में मेरे कॉलम जो हैं वो छप चुके हैं। ये क्या, मैंने रीडिंग हैबिट्स बनाई। रीडिंग हैबिट्स बनाने के बाद रीडिंग हैबिट्स ने मुझ में एनालिटिकल स्किल्स पैदा किए और मैं ओपिनियन पेजेस पढ़ते पढ़ते ख़ुद जो है वो ओपिनियन राइटर हो गया और आर्टिकल राइटर बन गया। होप के आप भी अखबार पढ़ेंगे और ये एक चीपेस्ट सोर्स है टू गैन इंफॉर्मेशन, टू गैन नॉलेज। सो आई होप दैट आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आई थैंक यू वेरी मच।